राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशियंट लेंथ। कैपिलरी ट्यूब में पानी राइज हो रहा था, मान लो 10 सेंटीमीटर तक राइज होना चाहिए था, आपने ट्यूब 15 सेंटीमीटर के लिए, तो 10 सेंटीमीटर राइज हो गया, पानी राइज हो रहा था 10 सेंटीमीटर, आपने ट्यूब काट दी, ट्यूब की लेंथ है 2 सेंटीमीटर, पानी को राइज करना है 10 सेंटीमीटर, अब क्या होगा, पानी फौरन बना के ऊपर निकलेगा? नहीं, पानी का एक बूंद भी नीचे नहीं गिरेगा, वो अपने मेनिस्कस को एडजस्ट करेगा, गिरेगा नहीं, कभी ना लिखना गिरेगा, मेनिस्कस एडजस्ट करेगा। कैसे करेगा? देखो, ये आपका सफिशिएंट लेंथ है हाइट h, जब कैपिलरी की हाइट h है, सफिशिएंट है, तो ये पानी रुक गया यहाँ पे, मेकिंग अ मेनिस्कस ऑफ रेडियस कैपिटल R, लेकिन इनसफिशिएंट लेंथ कर दी h डैश, तो लिक्विड ने रेडियस चेंज कर लिया, कितना, R डैश, मेनिस्कस ने R डैश। अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला h इज इक्वल टू 2t बाई आर रो जी, आर यहाँ पे आ गया, h इंटू आर ये टर्म आ गई। किसी भी लिक्विड के लिए जिस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, टू उसकी सरफेस टेंशन, रो जी सब कांस्टेंट है, तो h इंटू आर इज अ कांस्टेंट, कैपिटल R इसमें रेडियस ऑफ मेनिस्कस है। अगर हाइट कम कर दी आपने ट्यूब की, तो R की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा, तो मेनिस्कस का रेडियस बढ़ जाएगा। तो मेनिस्कस का रेडियस बढ़ने से बताओ, अगर मेनिस्कस का रेडियस बढ़ता है, बताओ क्या आंसर मार्क करोगे, ये ऐसा हो जाएगा और नीचे की तरफ चला जाएगा, या ये ऐसा हो जाएगा फ्लैट की तरफ हो जाएगा, इसको बोलते हैं रेडियस का बढ़ना कि इसको बोलते हैं रेडियस का बढ़ना, पहला कि दूसरा, दूसरा वाला रेडियस की वाला, पहला पहले वाला कि दूसरे वाला, अच्छा दूसरे वाला, वाह एक्सप्रेशन देखते हो टीचर के कि कैसे बोल रहा है वो, दूसरे वाला, पता है क्यों, क्योंकि आपने ऑप्टिक्स पढ़ा है, प्लेन सरफेस का रेडियस क्या होता है, इन्फिनिटी, प्लेन सरफेस मिरर में क्या हुआ है, मिरर अगर कोई भी सरफेस प्लेन है वो इनफाइनाइट रेडियस होता है, पता है क्यों, क्योंकि ये आगे जाके बहुत बड़ा स्फेयर बनाने वाला है, उसका पार्ट है हमारे पास, अगर बहुत बहुत बड़ा स्फेयर है उसका एक हिस्सा लिया जाए तो वो प्लेन दिखेगा आपको, तो यानी कि रेडियस बहुत बड़ा है इसका मतलब। तो याद रखना, रेडियस इन्फिनिटी, बहुत बड़ा होने का मतलब फ्लैट। अब एक बात बताओ, आपने हाइट छोटी रखी ट्यूब की, रेडियस और मेनिस्कस बढ़ गया, तो वो पहले अगर ऐसा था, अब वो ऐसा हो गया, रेडियस बढ़ गया, फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये ऐसा बोल सकते हो कि पहले हाइट अगर h थी, रेडियस ऑफ मेनिस्कस r था, अब हाइट h डैश हो जाएगी, इनसफिशिएंट, तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस r डैश हो जाएगा, ठीक है।